हेलो एवरीवन, राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। और कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो जो आज की मैं जो वीडियो बना रही हूँ, जो आज की जो न्यूज़ है वो ऐसी है जिसे मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन जिसने की उसे करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। तो आज की जो वीडियो है वो है अलवर जिले के एक गांव की, जहां एक बाप ने अपनी ही 10 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे छोड़कर भाग गया। पहले तो ये समझता, क्या ऐसे भी बाप होते हैं? अगर ऐसे भी बाप होते हैं तो क्या बच्चा अपने माँ बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जो बेटी होती है वो अपने ससुराल की सारी बात अपने मायके वालों को, फादर और मदर को बताती है। और बोलते भी हैं कि फादर और मदर को एज ए फ्रेंड रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे अपनी सारी जो बातें हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर भी विश्वास कर पाएंगे? मैं ये नहीं कहती हर कोई पेरेंट्स ऐसा होता है, हर कोई बाप ऐसा होता है, हर कोई बाप ऐसा नहीं होता है। कोई 100 में से एक ही बाप होगा जिसने ऐसा काम किया। नहीं तो जो फादर होते हैं वो अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं। कोई एक फादर ऐसा होगा जो ऐसा काम करता है। और ये इसे फादर नहीं, इसे पाप नहीं बाप कहा इसे सॉरी बाप नहीं पाप कहा जाना चाहिए। इसके घर तो लड़की होनी ही नहीं चाहिए थी। देख तो कैसा जमाना आ गया, कैसी दुनिया हो गई कि लोग अपनी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्ची को भी हवस का शिकार बना रहे हैं। विश्वास नहीं होता ऐसी बातों को कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल रियल है। ये अलवर जिले के एक गांव की न्यूज है, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि लड़की की एज 10 साल है। वो बताती है कि मैं दोपहर के टाइम पर मम्मी काम पे गई हुई थी, जो उसकी मम्मी है वो मजदूरी अगर करती है तो काम काम पे गई थी। और दोपहर के टाइम पे जब मैं सोई हुई थी तो मेरे फादर ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद फिर वहां से भाग गया। 10 साल की बेटी, आप देखो 10 साल की बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो कैसा कसाई बाप होगा? ऐसे बाप को तो सड़क के बीच में खड़ा करके फांसी दी जाए। लेकिन नहीं, क्या होगा, जेल में जाएगा, केस चलेगा 1-2 साल, फिर 1-2 साल के बाद सजा मिलेगी। बस ये होता है हमारे देश में, वो कुछ तो होता नहीं है। ये तो है नहीं कि हैंड टू हैंड किसी को पनिशमेंट मिल जाए, नहीं ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा ये हमारे देश का कानून। और जब बेटी ने अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने भी आस पड़ोस के गांव वालों को बताया। तो देखिए गांव वालों ने क्या जवाब दिया। गांव वालों ने कहा कि इस बात को यहीं दबा दो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी शादी में प्रॉब्लम होगी। देखिए आप कैसे गांव वाले हैं कि बोलते हैं कि इस बात को यहीं दबा दो, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी लड़की की शादी में, चाहे वो अब मर जाए, अब कुछ नहीं, आने वाले फ्यूचर की सोच लो, फ्यूचर में क्या होगा। आज जो हो रहा है हो रहा है, आज जो उसके बाप ने किया कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। क्या ये सही है? क्या गांव वालों ने ये सही लिया? लेकिन फिर भी किसी ने उसकी कंप्लेन की और उसकी माँ को और 3-4 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उस लड़की ने बताया कि मुझे कुछ होश नहीं रहा, मेरा बाप कब गया कब नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कोई होश नहीं रहा। वो और देखो हॉस्पिटल वालों ने भी इस बात को छुपा लिया। जब कोई एक्सीडेंट केस भी जाता है ना तो ये कह देते हैं पहले FIR कराओ, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। और इतनी बड़ी न्यूज को हॉस्पिटल वालों ने छुपा लिया, जबकि उसके प्राइवेट पार्ट में भी छह छह टांके आए थे। तो देखिए उस लड़की की क्या हालत हुई होगी और उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। तो आप खुद सोच के जा सकते हैं और आप देखना और बताना कि क्या गांव वालों ने ठीक किया, क्या ऐसा भी बाप होते हैं, क्या आजकल बच्चे अपने माँ बाप के पास भी सुरक्षित नहीं है, आने वाले टाइम में क्या होगा इस देश का फ्यूचर। कोई माँ भाग जाती है अपने बच्चों को छोड़कर, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाती है शादी होते होते, कोई बाप ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर देता है। तो आप सोचिए क्या हो सकता है और क्या उस लड़की पे बीत रही होगी। मतलब
ये कहते थे बच्चों को कि आस पड़ोस में किसी के पास विश्वास मत करना, ना बच्चों किसी के पास छोड़ के मत जाना, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर भरोसा करने का भरोसा कर नहीं सकते। तो क्या इस बात को सुनने के बाद किसी पेरेंट्स पर भी भरोसा करना तोड़ देना चाहिए? क्या माँ बाप भी ऐसे कर सकते हैं? चाहे उसने कितनी भी ड्रिंक रखी थी, मैं गाली देना चाहती हूँ उसको, चाहे उसने कितनी भी ड्रिंक रखी थी, चाहे वो नशेड़ी था पूरा, लेकिन अपने बच्चे तो दिखते होंगे ना, अपने बच्चे के दूसरों की लड़की के साथ भी ऐसा क्यों करते हो? और मैं इसके बारे में वीडियो के बाद तो कुछ बोलना भी नहीं चाहती, और क्योंकि मेरे मुंह से जितनी गाली निकल जाएगी, मैं वो कहना नहीं चाहती ना कुछ बोलना चाहती, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप अपनी राय जरूर बताना, ऐसे बाप को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या ऐसा बाप बाप कहलाने के लायक होते हैं? और क्या फ्यूचर होगा हमारे आने वाले टाइम में? तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको कल एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा।